नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। एक अच्छी मोमेंटम नजर आ चुकी है यहाँ पे वेल स्टॉक में आज के दिन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज क्वार्टर फोर के नंबर्स यहाँ पे सामने आने वाले भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आने के वेल स्टॉक के, तो क्वार्टर फोर के नंबर्स आने के पहले स्टॉक में एक अच्छी तेजी, तकरीबन 2% की तेजी देखने को मिले। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 80 लेवल सुबह में ओपन हुआ, फ्लैट स्टॉक ओपन होते प्रीवियस क्लोजिंग का अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगा और वही से एक तेजी देखने को मिली थी। पूरे दिन भर अप मूवमेंट देखने को मिली थी यहाँ पे ऊपर की तरफ, 82 लेवल पे रेजिस्टेंस लगा, एंड ऑफ द डे में 82 के नीचे ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था स्टॉक। तो देख सकते कि मार्केट कैप 28,000 करोड़ की है, पी रेशो 36 है और डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे 0.49% का है। तो चार्ट के ऊपर भी नजर डालेंगे, उसके पहले यहाँ पे स्टॉक में लास्ट वन मंथ की मोमेंटम देखी जाए तो 5% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने पिछले एक महीने में। तो देख सकते कि चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे बेल स्टॉक के कि क्वार्टर की अर्निंग्स आज यहाँ पे सामने आने वाले, उसके पहले स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिली है, पर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे लास्ट टाइम स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था जो कि लेवल है 83 लेवल पे स्टॉक ने पिछली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। तो रिसेंटली भी देख सकते हो कि स्टॉक 83 लेवल तक जाता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लगने के चांसेस लगेंगे और वहीं से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था 83 पे, फिर यहाँ पे भी आप नजर डाल सकते हो 83 लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था, तो 83 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वॉल्यूम से यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ते हैं स्टॉक के अंदर, वॉल्यूम अच्छे खासे क्वार्टर के नतीजे अच्छे आ जाते हैं तो स्टॉक 85 लेवल के ऊपर भी जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट बेल स्टॉक के लिए।